तिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर में एक प्रतिष्ठित भारतीय सेना अधिकारी और होटल व्यवसायी भवानी सिंह और पद्मनी देवी के घर हुआ था। वो ब्रिटिश सरकार के दौरान जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं। दोस्तों, दिया कुमारी ने मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली, जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल मुंबई और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर से पढ़ाई की। उन्होंने 1989 में चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन से ललित कला सजावटी पेंटिंग में स्नातक डिप्लोमा और मानद उपाधि प्राप्त की है। दोस्तों, अमेठी यूनिवर्सिटी जयपुर से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट उन्होंने किया है। ऐसा माना जाता है कि वो एक अरबपति हैं, क्योंकि वो सिटी पैलेस जयपुर सहित कई संपत्तियों, व्यवसायों, ट्रस्ट और स्कूलों का प्रबंधन करती हैं। जो उनका निवास भी है, जयगढ़ किला आमेर और दो ट्रस्ट महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट जयपुर और जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, दो स्कूल द पैलेस स्कूल ऑफ महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल और 3 होटल जयपुर में राजमहल प्लेस, माउंट आबू में होटल जयपुर हाउस और जयपुर में होटल लाल महल प्लेस। दोस्तों, दिया कुमारी के दिवंगत पिता और जयपुर के पूर्व राजा भवानी सिंह ने 1989 में जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। दोस्तों, दिया कुमारी की सौतेली दादी और जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी 1962, 1967 और 1971 में 3 जयपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनी गईं। उन्होंने ये चुनाव स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर रिकॉर्ड अंतर से जीते थे। दिया कुमारी 10 सितंबर 2013 को जयपुर में एक रैली में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में 2,00,000 लोगों की भीड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और विधायक बनी। दोस्तों, हालांकि उन्होंने 2018 का चुनाव नहीं लड़ा, जिसमें भाजपा हार गई थी। 2019 में वो राजसमंद से लोकसभा के लिए सांसद सदस्य के रूप में चुनी गई। उन्होंने 8,58,000 वोट मिले और उनकी जीत का अंतर 5,51,000 वोटों का रहा। 2019 में जीत के शीर्ष 20 सबसे बड़े अंतरों में से एक माना जाता है। उन्हें राजस्थान सरकार के सेव द गर्ल चाइल्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। वो वर्तमान में 2023 के राजस्थान चुनाव में 5 के विधायक नरपत सिंह राजवी के बजाय विद्याधर नगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक उम्मीदवार के रूप में जीती हैं। दिया कुमारी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे पदनाम सिंह और लक्ष्यराज प्रकाश सिंह और 1 बेटी गौरवी कुमारी। दोस्तों, दिया कुमारी की शादी नरेंद्र सिंह से हुई थी। नरेंद्र सिंह एक सामान्य गैर शाही और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दिया कुमारी और नरेंद्र की शादी जब हुई थी तो उसमें बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि वो एक राज परिवार से नहीं आते थे। दर्शकों, अब दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का तलाक हो चुका है। ये तलाक दिसंबर 2018 में हो चुका है। उनका दावा है कि उनके नाम पर एक फाउंडेशन प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन है, जिसे वो और उनके बच्चे सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर काम करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार। बात करते हैं राजकुमारी की रॉयल लव स्टोरी के बारे में। 24 साल पहले हुई थी शादी, वो पहली मुलाकात, वो चोरी छिपे शादी और प्यार के आगे धमकियों का हार जाना। दोस्तों, एक इंटरव्यू में दिया ने कहा था, शादी की घोषणा के बाद
उन्हें किडनैपिंग और सुसाइड स्क्वाड भेजने की मिलती थी धमकियां। राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी भी दुनिया भर में मशहूर रही है। दिया कुमारी भी अपनी शादी को किसी परिकथा से कम नहीं मानती थी। जयपुर में अपने कॉमन फ्रेंड के घर पर छिप छिप कर मिलने वाली दिया और नरेंद्र की दोस्ती और प्रेम का रिश्ता काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। नरेंद्र की एक आवाज़ सुनने के लिए सैकड़ों ब्लैंक कॉल्स करने वाली दिया ने अपनी माँ को दुखी देखकर 6 माह तक नरेंद्र सिंह से बात तक नहीं की। समाज के विरोध के बावजूद 24 साल पहले विवाद हुआ। काबिले गौर है कि जयपुर के गांधीनगर की फैमिली कोर्ट में दिया और नरेंद्र ने 6 दिसंबर को तलाक की अर्जी लगाई थी। महज 36 दिन में कोर्ट ने उनका तलाक मंजूर कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में दिया ने कहा था, विवाह की घोषणा के बाद हमें किडनैपिंग और सुसाइड स्क्वाड भेजने की धमकियां मिलती थीं। जब वे 18 साल की थी तब पहली बार शिवाड़ के कोठड़ा ठिकाने के नरेंद्र सिंह राजावत से मिली। वो ना तो उनके कैशियर थे और ना ही एडीसी या शोफर। जैसे मीडिया में छपता रहा वो सीए है जिनका खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था। वो पहली बार 1989 में मिले जब उनके पिता को राजीव गांधी ने जयपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। दोस्तों, नरेंद्र सिंह के पिता ठाकुर बुद्ध सिंह सवाई माधोपुर ठिकाने से हैं। उन्होंने पिता की कैंपेनिंग में मदद की थी। उसी दौरान नरेंद्र, जो कॉमर्स ग्रेजुएट थे और सीए कर रहे थे, ने काम के अनुभव के लिए एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट ज्वाइन किया था। तभी उनसे मुलाकात हुई। वे भी अकाउंट्स के काम से उनके पैलेस में मिली और उनसे बातें कर बहुत अच्छा लगा। उनकी सादगी और केयरिंग नेचर दिया कुमारी के दिल को छू गया। हालांकि ये पहली नज़र में प्यार जैसा नहीं था। 3 महीने बाद जब वो वहाँ से गए तब लगा कि उनसे फिर मिलना चाहिए। ऐसे वो लोग दोस्त बने। जब भी वो जयपुर आते वो एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ मिलते। जब वे पेरेंट्स के साथ विदेश यात्रा पर गईं तब पहली बार उन्हें लगा कि उनके बिना रह नहीं सकती। तब एहसास हुआ कि ये फीलिंग्स दोस्ती से कुछ ज़्यादा थी। माँ से शेयर किया तो वो सकते में आ गईं। वो चाहती थीं कि उनके जैसे शाही परिवार में उनकी शादी हो। उन्हें यकीन था कि वो उन फीलिंग्स से बाहर आ जाएंगी, इसलिए पिता को नहीं बताया। उसके बाद वे जयपुर से बाहर अक्सर दिल्ली में मिलने लगे। नरेंद्र के पेरेंट्स को भी जब इस रिश्ते की खबर हुई तो वे भी नाराज हुए। 1994 में आर्य समाज में शादी, इकलौती बेटी थी, इसलिए माँ को दुखी देखकर वे खुद को कसूरवार मानने लगी और 5-6 महीने तक नरेंद्र से दूरी बना ली। वो वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। वे उनकी आवाज़ सुनने के लिए ब्लैंक कॉल्स भी करती थीं, लेकिन एक दिन फ़ोन पर बात कर ली पेरेंट्स को बिना बताए। शादी कर ली क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि वे इससे बाहर निकल जाएंगी। 6 सालों के साथ के बाद 1994 में आर्य समाज में शादी कर ली। फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया ये सोच कर कि बाद में पेरेंट्स को बता देंगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बता पाती, ब्रूनेई में हाई कमिश्नर की पोस्टिंग पर तैनात, पिता को स्ट्रोक आ गया। माँ और उनको लेकर इलाज के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। जब वो ठीक होकर भारत लौटे तो उन्होंने दोनों को अपने फैसले के बारे में बता दिया। लेकिन 2 साल तक ये नहीं बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, नवंबर 1996 में आखिर माँ को बता दिया और नरेंद्र ने अपने पेरेंट्स को। उनके पिता नरेंद्र के पिता को जानते थे, इसलिए नरेंद्र से इस बात के लिए नाराज हो गए। 1997 में माँ ने पिता को इस बारे में बताया जिससे वो बेहद खपा हुए। लेकिन फिर उनके नज़रिए को समझकर रिश्ते को अपना लिया।
कहते थे इस्लाम अपना लो। सार्वजनिक तौर पर अगस्त 1997 में उनका विवाह और रिसेप्शन हुआ। विवाह की घोषणा के बाद से ही धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। किडनैपिंग और सुसाइड स्क्वाड भेजने की धमकियां भी मिली। राजपूत कम्युनिटी में इंटरकास्ट और सहगोत्र शादियां होती रही हैं, फिर भी समाज के ठेकेदारों को उनकी शादी से एतराज था। माँ के आगे शर्त रखी गई कि ये शादी हुई तो इस्लाम अपनाना होगा। वहीं 2015 में दूसरी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दिया ने बताया था कि सभी रिश्तेदारों को लगता था कि उनकी शादी किसी महाराजा से होगी, लेकिन वे सिर्फ अच्छे इंसान से शादी करना चाहती थी, ओहदे से नहीं। कहा जाता है कि दिया के इस पसंद की वजह से ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने राजपूत सभा के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था और समाज से दूरी बना ली थी, क्योंकि राजपूत समाज दिया के इस कदम से नाराज था। 2008 में दिया कुमारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी परवरिश दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं हुई, बल्कि एक आम भावनात्मक इंसान की तरह हुई है। शादी का मुद्दा निजी है और उससे किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना ही वो समाज की धमकियों से डरी और ना ही कमजोर पड़ी। वे सिर्फ 16 साल की थी जब एक शाही परिवार से रिश्ता आया, लेकिन उनके माता पिता ने कहकर मना कर दिया कि वे मंगनी के लिए भी छोटी हैं। दिया कुमारी का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।